ओके सो नाउ वी स्टार्ट अ फर्स्ट मॉडल ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क। अभी हम क्या करते हैं, पहला फ्रेमवर्क स्टार्ट करते हैं, स्प्रिंग कोर मॉडल। स्प्रिंग कोर मॉडल स्प्रिंग के अंदर का पहला मॉडल अभी हमने स्टार्ट किया है, स्प्रिंग कोर मॉडल इज हियर, स्प्रिंग कोर मॉडल। बट बिफोर लर्न द स्प्रिंग कोर मॉडल वी नीड टू नो द डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड इट्स टाइप। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब स्प्रिंग कोर मॉडल सीखने के पहले आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है और उसके टाइप्स क्या है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ डिपेंडेंसी इंजेक्शन, डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मतलब क्या होता है। यस वी कैन से डिपेंडेंसी इंजेक्शन मीन्स इफ वन क्लास और ए फंक्शन is dependent on some specified argument called as a dependency injection. जब कोई क्लास या कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर आर्गुमेंट के ऊपर डिपेंड करता है तो हम उसे टेक्निकली डिपेंडेंसी इंजेक्शन कहते हैं। डिपेंडेंसी इंजेक्शन मीन्स इफ वन क्लास और फंक्शन इज डिपेंडेंट ऑन सम स्पेसिफाइड आर्गुमेंट कॉल्ड एज अ डिपेंडेंसी इंजेक्शन, कॉल्ड एज अ डिपेंडेंसी इंजेक्शन, राइट। जब कोई क्लास या कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर आर्गुमेंट के लिए डिपेंड करता है तो हम उसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन कहते हैं, राइट। जैसे अभी हमने पिछली बार देखा था प्लेयर और टीम का एग्जांपल, राइट। तो जैसे कि अभी देखिए टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन, टाइप ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन, सबसे पहला ये है सेटल इंजेक्शन, दूसरा होता है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, तीसरा होता है ऑब्जेक्ट डिपेंडेंसी, जो फोर्थ है इसे कहते हैं कलेक्शन डिपेंडेंसी, फिफ्थ होता है इसे कहते हैं मैप डिपेंडेंसी एटसेट्रा। दीज आर द सम टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन, राइट। अभी हम देखते हैं सेटर इंजेक्शन का मतलब क्या है, राइट। वी कैन से सेटर इंजेक्शन मीन्स, राइट, वी मस्ट बी पास पैरामीटर टू, we must be passed parameter to setter methods called as a setter injection. जैसे कि अभी आप यहां पे आइए, मैं आपको बताता हूं setter injection क्या होगा। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे क्लास लिखा, क्लास एम्प्लॉय, और मैंने यहां पे ऐसे लिखा प्राइवेट int of id, प्राइवेट स्ट्रिंग ऑफ नेम, private int of salary, so public void set id int of id, this dot id equal to id, public int get id return of id, public void set name, this dot name equal to name, public string get name, public void set salary, this dot salary equal to salary, and public int get salary, we can say return of a salary, ऐसे रहेगा। अभी देखिए ये जो आपको जो दिख रहा है ना सेटर मेथड, इसे कहते हैं सेटर इंजेक्शन। ये जो हुआ है ये है आपका सेटर इंजेक्शन, मतलब देखिए ये फंक्शंस डायरेक्ट कॉल नहीं हो सकते। जैसे कि देखिए सेट नेम, सेट नेम इज डिपेंड ऑन स्ट्रिंग, सेट आईडी इज डिपेंड ऑन इंटीजर, एंड सेट सैलरी इज आल्सो डिपेंड ऑन इंटीजर, इसे कहते हैं सेटर इंजेक्शंस। मतलब देखिए ना सेटर इंजेक्शन क्यों कहा, अभी अगर मान लीजिए मैंने एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एम्प्लॉय ऑफ ईएमपी1 इक्वल्स टू, यहां पे हमने ऐसे बनाया न्यू ऑफ एम्प्लॉय, तो मैं ऐसे कर सकता हूं क्या emp1 dot set name, is it possible? ऐसे होगा क्या? अगर ऐसे कॉलिंग करेंगे तो क्या होगा, प्लीज बताइए स्टूडेंट। अगर हम इस तरीके से फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या होगा? यस गाइस, हेलो, इट विल रेज एरर और नॉट, प्लीज बात कीजिए सब लोग।
क्यों एरर देगा? यस, इसका मतलब ये हुआ सेट ही नेम आप ऐसे कॉल ही नहीं कर सकते, इट इज डिपेंड ऑन। देखिए अगर आप इस तरीके से कॉल करेंगे सो कंपाइलर विल जनरेट एरर, बिकॉज वी मस्ट बी पास स्ट्रिंग आर्गुमेंट टू दिस फंक्शन, दिस सेट नेम फंक्शन। दैट मीन्स वी कैन से सेट नेम इज डिपेंडेंट, और सेट नेम कॉलिंग इज डिपेंडेंट ऑन स्ट्रिंग टाइप आर्गुमेंट। सो इट इज ए सेटर इंजेक्शन और नॉट, यस और नॉट स्टूडेंट? मतलब ये मेथड डायरेक्टली कॉल नहीं हो सकती, कंपल्सरी है आपको इसे सेटर पैरामीटर के अंदर, सेट नेम के अंदर कंपल्सरी आपको स्ट्रिंग देनी ही देनी है। अगर आप यहां पे लिखेंगे तो ऐसे लिखिए mp1.setNameOfRam, इज इट क्लियर? इसका मतलब ये है 1.setNameOfRam करेंगे तो ये राम यहाँ पे आ जाएगा। सो ये जब राम आपका यहाँ पे आ जाएगा, सो दिस इज योर स्ट्रिंग, दिस इज योर सेटर इंजेक्शन, इज इट क्लियर और नॉट? हेलो गाइस, इसे कौन सा इंजेक्शन कहते हैं? सेटर। मतलब देखिए कोई भी जो सेट फंक्शन होता है, सेट फंक्शन जब होता है ना स्टैंडर्ड जावा का, उसको पैरामीटर देते हैं। मतलब ये फंक्शन डायरेक्टली कॉलिंग नहीं होगा, ये किसी पर्टिकुलर पैरामीटर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसे टेक्निकली सेटर इंजेक्शन माना जाएगा। अभी हमारे पास दूसरा एक इंजेक्शन है, कौन सा है? कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। व्हाट इज मीन ऑफ कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन? इफ यू पास पैरामीटर इन अ कंस्ट्रक्टर कॉल्ड एज अ कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां पे ऐसे लिखा, मान लीजिए हमने यहां पे ऐसे लिखा क्लास एम्प्लॉय, और मैंने यहां पे लिखा एम्प्लॉय स्ट्रिंग ऑफ नेम इंट ऑफ आईडी इंट ऑफ सैलरी। String of name, int of ID, and int of salary. This dot name equal to name. This dot ID equal to ID. This dot salary equal to salary. So, अभी आप मुझे बताइए क्या हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं? Employee of EMP1 equal to new of employee. It is possible. Yes, guys. Yes or not, please students, please give me feedback. Yes, sir. ये पॉसिबल है क्या? Yes, sir. No, sir. नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो कंस्ट्रक्टर है, देखिए ये आपका कंस्ट्रक्टर है, इतना जो सेक्शन है ये आपका कंस्ट्रक्टर है, तो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर कितने पैरामीटर्स आते हैं? ध्यान रखिए इस कंस्ट्रक्टर के अंदर 3 पैरामीटर आते हैं। कितने आते हैं? 3 आते हैं। मतलब इसका ये हुआ कि यार जब जब इस क्लास की ऑब्जेक्ट बनेगी तो कंपल्सरी है कि वहां से आपको 3 पैरामीटर पास करने हैं, तो इस तरीके का जो इंजेक्शन होता है इसे टेक्निकली कौन सा इंजेक्शन माना जाएगा? कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। पहले आप समझिए इन चीजों को हमें स्प्रिंग से मैनेज करना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे आके ऐसा लिखेंगे एम्प्लॉय ऑफ ईएमपी 1 इक्वल्स टू न्यू ऑफ एम्प्लॉय ऑफ ए राम 1 एंड 10,000, सो व्हाट इज दिस? यहां पे अगर आप आएंगे तो ये जो है ये आपका राम है, ये जो है ये आपका वन है, और ये जो है ये आपका 10,000 है। इज इट क्लियर और नॉट? यस गाइस, सो ये जो रहा दिस इज कॉल्ड एज योर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। ये क्या हो गया आपका? कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। मतलब इसे ये चीजें हमने की है, सिर्फ इसे इंजेक्शन कहते हैं। अभी ऑब्जेक्ट डिपेंडेंसी एक होता है। अब ऑब्जेक्ट डिपेंडेंसी क्या है? इफ यू पास रेफरेंस ऑफ ए वन क्लास टू द अनदर क्लास कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट डिपेंडेंसी। जब आप एक क्लास का ऑब्जेक्ट किसी दूसरे क्लास के अंदर पास करते हैं हम उसे टेक्निकली ऑब्जेक्ट डिपेंडेंसी कहेंगे। जैसे कि अगर आप यहां पे आते हैं, ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए यहां पे हमने ऐसे लिखा क्लास एम्प्लॉय क्लास कंपनी
वाइड सेट एम्प्लॉय, और यहां पे आपने एम्प्लॉय को पास किया है। प्राइवेट इंट ऑफ आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग ऑफ नेम, प्राइवेट इंट ऑफ सैलरी। मान लीजिए इसके सेग्रीगेटर है यहां पे, ये लिखूं ऐसे पब्लिक वाइड सेट आईडी। ये फास्ट तो नहीं हो रहा है ना? हेलो, पब्लिक आईडी सेट आईडी, पब्लिक इंट गेट आईडी, रिटर्न ऑफ आईडी, पब्लिक वाइड सेट नेम, दिस डॉटर नेम इक्वल डॉटर नेम, पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम, रिटर्न ऑफ नेम। अब यहां पे आइए, यहां पे अगर आप आते हैं एम्प्लॉय ऑफ एम्प्लॉय, और फिर आप यहां दिस डॉट एम्प्लॉय इक्वल टू ऑफ एम्प्लॉय, सिंपल है। अब आप मुझे बताइए, ये होता है ऑब्जेक्ट डिपेंडेंसी। मतलब अगर मैंने यहां पे देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी जो है किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब कंपनी क्लास का ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट? ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिपेंडेंसी। अगर मान लीजिए इस तरीके से अगर हम लिखेंगे कंपनी ऑफ सी वन इक्वल्स टू न्यू ऑफ कंपनी, और अगर आप लिखेंगे सी वन डॉट सेट एम्प्लॉय, और आप ऐसे कॉलिंग करेंगे, तो क्या ये पॉसिबल है? इस तरीके का कॉलिंग पॉसिबल है क्या स्टूडेंट्स, प्लीज बताइए। यस, ये सेट एम्प्लॉय का कॉलिंग बराबर है क्या? सी वन डॉट सेट एम्प्लॉय कॉलिंग बराबर है या नहीं? Yes, नहीं है बराबर, बराबर रॉन्ग कॉलिंग है ये। क्यों? दिस विल जनरेट द एरर बिकॉज दिस फंक्शन is dependent on, this function is dependent on employee object, so it is object dependency. Using a setter injection, setter method है ना वो, तो यहाँ पे compulsory है कि यहाँ पे आपको employee का object बनाना ही पड़ेगा। विदाउट एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट आप कॉलिंग नहीं कर सकते हैं ईएमपी वन डॉट सेट आई डी, ईएमपी वन डॉट सेट नेम एंड ईएमपी वन डॉट सेट सैलरी। अगर आप यहाँ पे आके ऐसे लिखेंगे ईएमपी वन तो कैसे होगा? दिस इज वेरी सिंपल। सो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिपेंडेंसी। अभी नेक्स्ट क्या है? कलेक्शन डिपेंडेंसी। क्या होगा इफ some functions contain the collection as a parameter called as a collection dependency. जैसे कि अभी अगर आप यहां पे आते हैं, ध्यान रखिए, अगर हमने यहां पे ऐसे लिखा, यहां पे मान लीजिए अगर मैंने यहां पे अगर ऐसे लिखा क्लास क्लास सपोज क्लास कॉलेज, और यहां पे अगर हमने ऐसे लिखा सेट डिपार्टमेंट नेम, क्लास कॉलेज सेट डिपार्टमेंट नेम इज लिस्ट ऑफ लिस्ट। सो अभी आप यहां पे आइए for object of obj colon list, obj। so कैसे होगा? set department name object of obj of obj। अभी अब देखिए, अगर हम directly college का object बनाएंगे तो चलेगा क्या? college of c1 equal to name of college, सही? C1 dot set department names
सेट डिफायर नेम के अंदर किसका रेफरेंस आ रहा है प्लीज बताइए स्टूडेंट्स। ये ऐसे कॉलिंग है क्या? नहीं, ये जो फंक्शन है इसका कॉलिंग डिपेंड है लिस्ट के रेफरेंस के हिसाब से। ये जो फंक्शन है इसका इसका कॉलिंग किसके ऊपर डिपेंड है? इसका कॉलिंग लिस्ट कलेक्शन के ऊपर डिपेंड है। इसे कहा जाता है कलेक्शन डिपेंडेंसी। मतलब यहां से आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कंपल्सरी, न्यू ऑफ एरे लिस्ट, न्यू ऑफ एरे लिस्ट, ऐसे लिखेंगे लिस्ट डॉट एड ऑफ ए, लिस्ट डॉट एड ऑफ ए सी एस सी, लिस्ट डॉट एड ऑफ ए मेक, लिस्ट डॉट एड ऑफ ए आई डी, इस तरीके से। और यहां से आप लिस्ट को पास करेंगे। अगर आप यहां से लिस्ट को पास करते हैं तो ये लिस्ट यहां पे आ जाएगी। इज इट क्लियर और नॉट? यस गाइस। सो ये जो डिपेंडेंसी थी, दिस इज कॉल्ड एज योर कलेक्शन डिपेंडेंसी। इज इट क्लियर और नॉट? अब मैप डिपेंडेंसी कैसे होगी? सेम ऐसे होगी। अगर हम मैप डिपेंडेंसी की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने हर एक डिपार्टमेंट को क्या किया है, आईडी भी दिया है और नाम भी दिया है। प्लीज माइक्रोफोन प्लीज। हमने हर एक डिपार्टमेंट को आईडी भी दिया है और नाम भी दिया है। तो अगर आप यहाँ पे अगर आप आते हैं, इफ यू राइट हियर क्लास कॉलेज, अगर आप यहाँ पे आके ऐसे लिखेंगे व्हाट सेट डिपार्टमेंट नेम, यहाँ पे अगर आप लिखेंगे मैप ऑफ ए मैप, तो ये डिपेंड, ये क्या है? दिस इज योर मैप डिपेंडेंसी। राइट, मतलब यहाँ पे लिखिए सेट ऑफ अ कीज इक्वल टू मैप डॉट की सेट, और फिर हम यहाँ इटरेटर ऑफ y इक्वल टू कीज डॉट ऑफ इटरेटर, और y i डॉट हैज नेक्स्ट। यस, पहला लेक्चर थोड़ा थ्योरेटिकल लगेगा पर ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ अ की इक्वल टू i डॉट ऑफ नेक्स्ट, and object of val equal to map dot get of a key, system dot out dot println key plus slash t plus of val, ये ऐसे होगा। अभी देखिए ये मैप है आपका। अगर आप यहां से लिखते हैं कॉलेज ऑफ ए सी वन इक्वल्स टू न्यू ऑफ कॉलेज सी वन डॉट सेट डिपार्टमेंट नेम्स, अगर आप यहां पे लिखते हैं तो इसके अंदर ये ऐसे करेंगे इट विल जनरेट एरर। इसके अंदर कंपलसरी आपको पैरामीटर देना है मैप का। तो आप यहां पे ऐसे लिखिए मैप ऑफ मैप इक्वल टू न्यू ऑफ लिंक्ड हैश मैप, और फिर हम यहां पे लिखेंगे मैप डॉट पुट वन कॉमा सी एस, मैप डॉट पुट और यहां पे रहेगा मैप। इज इट क्लियर और नॉट? सो ये जो है दिस इज कॉल्ड एज योर मैप डिपेंडेंसी। ये जो है दिस इज कॉल्ड एज योर मैप डिपेंडेंसी। ये जो डिपेंडेंसी है इसे आप टेक्निकली मैप डिपेंडेंसी कहते हैं। दीज आर द सम टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसी। ये जो चीजें अभी हमने की है यही चीजें ऑटोमेटिकली मैनेज होती है स्प्रिंग फ्रेमवर्क के जरिए। यही चीजें ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगी किसके जरिए? दिस विल मैनेज बाय यूजिंग स्प्रिंग फ्रेमवर्क। ओके,